never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति रावत है और मैं रहती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कोटद्वार में। आशा और उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग राजी खुशी हों, कुशल मंगल हों। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आज का नया व्लॉग करते हैं शुरू। तो आपने मेरे उम्ब्रेला वाले व्लॉग को बहुत प्यार दिया और आप सभी लोगों से आशा करूंगी कि इस व्लॉग को भी आप लोग बहुत प्यार दें। तो आज दोस्तों हम लोग आए हैं सेंधीखाल ब्लॉक के अंदर, गाँव पड़ता है शीला। तो आज हम आपको गांव दिखाएंगे शीला और आपको मैं ये दिखाती हूँ मेरे पीछे। आप देखिए कि मेरे पीछे गांव शीला है। तो चलिए हम चलते हैं गांव शीला की तरफ और आपको भी लेके चलते हैं और मिलवाते हैं वहाँ के लोगों से। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो शीला के निवासी या प्रवासी हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आज के व्लॉग में आप लोग बने रहें। और ये देखिए दोस्तों गांव शीला, और ये देखिए गांव शीला का यात्री शेड, जहाँ पे यात्री अगर कहीं जाएं तो उन लोगों के लिए बैठने के लिए बनाया हुआ है। और गांव शीला में सबसे पहले आपको जाते सारी मिलेगा असवाल जनरल स्टोर। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं यहाँ पे, आप लोग देखिए। और असवाल जनरल स्टोर में आपको सारा सामान मिल जाएगा और असवाल जनरल स्टोर के ही सामने से ये बाट है गांव शीला का। तो चलिए गांव शीला लेके चलते हैं आप सभी लोगों को। हाँ चलो। और ये देखिए गांव शीला का सबसे पहला घर है ये, और ये है शीला का बाट। और आपको दिखाती हूँ मैं रास्ते में, सबसे पहले हमें देखिए क्याड़े, ये देखिए क्याड़े हैं ये। और ये देखिए दोस्तों ये है क्याड़ा की जो रस्सियाँ होती हैं, मतलब भीमल होता है जो, आपको पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, भीमल की जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं उनको पानी में कुछ समय के लिए भिगा के रखते हैं, उनसे ये निकलती हैं। इसको बोलते हैं क्याड़ा, जिससे आग जलाने में सरलता होती है। और ये दूसरा है, इससे रेशे निकलते हैं, इससे बनाते हैं रस्सी। और देखिए दोस्तों गाँव शीला के बाट में हम लोग इस वक्त हैं। और चलिए आगे दिखाते हैं गाँव, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में यहाँ पे मकान है, एक मकान जैसे आप मेरे पीछे दिख रहे हैं और एक मकान बहुत दूर दूर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। 30 लग गए, ये देखिए गाइस इन्हें 30 लग गए। गाइस इनके बीज नहीं आ रहे हैं आजकल। गाइस मेरे बीज ले आओ प्लीज, हाथ जोड़ो, हाथ खुड़ पोड़ बैठ, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि मेरे बीज डालिए, जल्दी से जल्दी बीज दे, जल्दी बीज डालिए, बीज नहीं आ रहे मेरे बीज। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आम, तिमला, अमरूद, सब चीज़ के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए आम भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और सुंदर सुंदर नज़ारे। ये है हमारा शीला गांव का बाट और आपको दिखाएंगे हम और मिलवाते हैं लोगों से। चलिए दोस्तों, वैसे गांव बहुत अच्छा है क्योंकि गांव है एकदम रोड से अटैच। खेती वेती हूं कोई परेशानी, मतलब जानवर जानवर गोने यार बांदर सुंगुर डड़ा आप अभी करी खेती? हां तो यार खेती में तो बटा ना समझे। अच्छा ये वो लगा है ना, उन खेती में ना शहर सुरे नहीं छने, शहर से नहीं से वो जरा एक कर दे क्या रहा। अच्छा मैं तरफ कर दे के शहर। हम्म, अच्छा ये ना तो रख दे नहीं से था। नमस्ते।
और देखिए दोस्तों, ये जो आपको गांव दिख रहा है यहाँ पे, वो गांव है परसुला। और जो ये वाला गांव दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मैलासिला। तो इस तरफ है मैलासिला और इधर के जो गांव है वो है तैलासिला। तो चलिए, तैलासिला में तो लोग अभी इधर उधर गए हुए हैं, लेकिन हम लोग आपको लेके चलते हैं मैला वाले सिला में। तो चलते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ का बाट, और देखिए यहाँ पे स्यार व्यार भी होते हैं शायद से। घास तो यहाँ पे कंटिन्यू वही है, कुर्री की घास। ये देखिए कुर्री के फूल, अनहोना हो कुर्री के फूल और घास तो जरूर होंगी, दुबुल। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गांव हैं हमारे आगे। और ये देखिए दोस्तों, पटलों का कितना सुंदर छन्नी का घर है। ये देखिए, मतलब छन्नी बोलते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में गाय के घर को। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है। और देखिए दोस्तों, छोड़े हुए घरों के हाल क्या बन रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि केदारनाथ की आपदा को, ये केदारनाथ की एक जो बड़ा पत्थर था उन्होंने बचाया हुआ शिला कोने, तो यहाँ भी इस गांव के लिए भी बोला जाता है शिला गांव के लिए कि ये इसलिए फेमस है। और इस गांव का नाम शिला इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी शिला होती थी पहले के टाइम पे। और देखिए अभी भी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए कितनी बड़ी शिला है। और दूसरी शिला भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं यहाँ पे। और ये देखिए, वो देखिए दोस्तों, इसलिए इस गांव का नाम शिला पड़ा है। और देखिए दोस्तों, शिला गांव के दो पार्ट हैं, तैलासिला और मैलासिला। तो हम लोग तैलासिले से होकर के मैलासिला गांव की तरफ जा रहे हैं, जिसके बीच में पड़ता है छोटा सा गदेरा। और कि देखिए दोस्तों, कंडली की झमझट। और ये देखिए, ये बाट बना हुआ है मैलासिला के लिए जाने के लिए। तो चलते हैं मैलासिला गाँव में और देखते हैं कि वहाँ पे लोग हैं या नहीं। और देखिए, शिला गांव में महादेव का मंदिर है। और मैं आपको बाहर से ही दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मंदिर में नहीं जाना है। और सबसे खास बात यहाँ पे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखिए, महादेव के मंदिर के ऊपर देवदार के पेड़ हैं। और सिर्फ पूरे शिला गांव में यहीं पे देवदार के पेड़ हैं, चार पेड़ देवदार के, और यहीं पे महादेव का मंदिर भी है। तो देखिए, महादेव की असीम कृपा है इस गांव पे, जो महादेव के मंदिर पे देवदार के वृक्ष हैं। और महादेव को देवदार के वृक्ष बहुत प्रिय हैं। तो हर हर महादेव। और चलते हैं हम आगे की ओर। और महादेव के मंदिर के ही सामने आप देख रहे हैं लोग नहा रहे हैं। और यहाँ पर गदना है और हम लोगों को जाना है इस तरफ। और ये देखिए दोस्तों, लोगों ने कितने सारे क्याड़ा रखे हुए हैं स्टोर करके, क्योंकि इन क्याड़ों से ही आग जलती है। गांव में तो कोई चीज़ होती नहीं है पॉलीथीन वगैरह, इसलिए क्याड़ा से ही आग जली गई, इसलिए क्याड़े स्टोर करके रखे रहते हैं। और देखिए गांव में है यहाँ शहतूत के पेड़, तिमल के पेड़। देखिए तिमले अभी छोटे छोटे ही हैं यहाँ पे। अच्छा, दादाजी और आप लोग ना, खेती हूं या का? खेती तो हूं ना। हाँ जी, हाँ हाँ, तो जानवर जूनवर रख कुछ जानवर भी राम से बांधा आना चाहिए अब बांध कन के बचन तो बांध रोल बचाने लगे हम सब ज्यादा। तो ये देखिए दादी जी का घर, टोली आ जान। हाँ, दादी जी का घर कितना सुंदर है। और पुराने पुराना जो घर है अभी दादी जी ने रखा हुआ है एकदम अच्छे से सजो के। ये देखिए दादी, ये क्या सुख है वहाँ पर, क्या जिसे ये कारण क्या चाहिए? हाँ अच्छा,
अच्छा, तो ये प्याज के पत्ते हैं जो उनको सुखा के रखे हुए, इनका खाद वाद बनाएंगे शायद से। अच्छा अच्छा, तो बच्चा कद का बच्चा सुना पका ना ना सब कोड़दारी रंदन बेटी थी अपर अपर ससुरा। अच्छा, एक एक ही वाला। ओ तो आप दादा जी दगड़ रहे नो एक। हां, हम कदर का कोड़दार नंदो कदर गार नंदो कोड़दार कक्ष नंदपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ठीक दादी, धन्यवाद आप। और देखिए दीदी, यहाँ पे क्याड़े निकाल दिए। इनको कितने टाइम रखते वैसे पानी में? एक महीना। और फिर ये इसका आप रस्सी बनाओगे? अच्छा। और देखो दीदी, ऐसे रहते हैं भूल के डंडे पानी में एक महीने रखने के बाद, और उसके बाद इसको निकाला जाता है। ये देखिए, और इनसे बनाते हैं रस्सी। आप कहाँ के हो वैसे? मैथ ससुराल यही हुआ है ना? मैथ कक्षा आप? अच्छा, बांसी गजवाड़। अच्छा अच्छा, अब बच्चा ये की रंजन बीवाएली ओ जवाबदारी निभाएल जरा जरा। ठीक। तो गौड़ा आएगी पानी पीना कौन? और देखिए भाई लोग बरेली से आए हैं घूमने के लिए, मतलब अपने यहाँ उनका शायद से ससुराल है, वहाँ आए हैं ये लोग। और देखिए गांव के सुंदर नज़ारे, भाई जी लोग गाय चरा के आ रहे हैं, कोई क्याड़े निकाल रहा है, ये देखिए। आहा, देखिए दोस्तों, लोगों ने खेतों में पानी पटा रखा है और इतना ठंडा पानी है। और देखिए ये पानी लगा रही हैं दीदी खेतों में। और ये देखिए, ये है गौशाला। और ये है पानी का एरिया जहाँ से पानी आ रहा है, खेतों में लोगों ने पटा रखा है इसलिए रास्ते में पानी पानी दिखेगा आपको। और देखिए, हम लोग दीदी के घर में रुके हैं, उन्होंने बोला है कि आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं। और देखिए कितना सुंदर घर है। और देखिए दीदी का घर है, और दीदी ने हमको यहाँ पे चाय पानी पिलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और हम चलते हैं आगे गांव सीला की तरफ। और देखिए दोस्तों, गाय आ गई है चर के। और किधर जाना है बेटा आपको? चलो। अरे देखिए, गाय को अपने आप मालूम है देखिए रास्ता उनके घर का। और ये देखिए, यहाँ पे हल लगाया गया है, पहले यहाँ पे गेहूँ थे, अब पता नहीं शायद क्या लगाएंगे, भाई जी लोग हैं नहीं तो अभी पता नहीं चल रहा है। और आबादी के क्षेत्र में गांव सीला बहुत बड़ा है, और यहाँ पे आबादी भी है और लोग भी शिक्षित हैं। देखिए अच्छे शानदार कोटद्वार में जैसे मकान है, ऐसे मकान यहाँ पे भी बने हुए। देखिए ये देखिए, पूरे टाइल्स वाइल्स वाले मकान यहाँ पे भी बने हुए हैं। दादी नमस्ते। नमस्कार, ठीक ठाक? हाँ दादी, ठीक छो। हो गया खाना पीना बनाना तैयारी? आप कल से भूल गया कि पता हम लोग का क्यों बोला हम तो चले आ गए ला बता तो ले अब मैं तो ना मैं तो नहीं
तो आज दादी ने बनाया है पलियो और हम यहाँ पे पलियो खाने के लिए बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पे लाल राजमा है जिसका कॉस्ट 180 रुपए किलो है कोटद्वार में उस टाइम पे। और देखिए कितना इसमें स्वाद भी ज्यादा आता है। और ये देखिए ये है उरखेला जिसमें कुटे आते हैं धान। जब आपकी शादी हुई थी ना तब दादाजी आपको देखने आए थे कि आपके ससुर जी लोगों ने देखा था? बस ससुर जी मतलब जो दादाजी और छाया ब्याह के दिन ब्याह ब्याह की वो इतना झोपड़ा तरह क्यों छाया दादाजी लोग क्या करता है? अच्छा पहले तो ये बोलता था ना कि नौकरी नहीं भी वाल तो खाली वाला खेत खाली वाला के कमा है। अब तो बना अब लोहड़ी का दाना थी ना लोहड़ी बनी थी कि चार पहले कोरदार से अच्छा कोरदार बोले चार देर दून से तो बचाओ तुम असर करते और तू चेत तन का आते बटाट लगी ना दिन भर बर घूम रहे दिन भर घाम दादी थे दी वाले एटीएम दादा का ना एटीएम नहीं चला दो दादी नीच मतलब एटीएम है ना दादाजी ला पैसा निकाली दादाजी ला खर्च कर हाँ दादी वो तो की बहुत सुख संधि चाणा चंदा ब्या अब सीधे तब तक का तू खा रहा है अब खाना पर पता नहीं क्यों है। हाँ दादी अब तो नहीं कि बाजा दिन सा जालू बाजा दिन पति का नाम है। दादी ये कम शिव मंदिर दिखे रू ना झंडा क्या मंदिर चकने बाबा ये सीधा मंदिर तक में अच्छा एक देवी मंदिर अच्छा ये गोरना था मंदिर अच्छा तीन मंदिर छन यहाँ मंदिर एक मंदिर अग्नि भी छह शिवालय दी छन शिवालय अच्छा बड़ू गाँव ची इले छन इतना मंदिर की सब अलग अलग बने हूँ अपर अपर बने हूँ सब नहीं ये तो मिली बने अच्छा शिवालय ना शिवालय शिवालय भी मिली बने हाँ जी सीधा मंदिर भी अच्छा गाँव ची गाँव में लोग अब दूजी चीन दूजी चीन पहले सारा गाँव भर रेन छाई कूड़ा तो खूब छन कूड़ा छन छक्के रे कूड़ा छह भी छन लोग मवासी कूड़े तो बने आती भैर चल गया वाला ना सब भैर के लगे एक समय गाँव में प्रधान ढंग का नहीं थी मेन बात क्या प्रधान ढंग का कम होता इसका जमीन था पक्को तो लगाए क्या सौ का लगाए कि इसका जमीन चाहिए बिल्कुल एक स्कूल बना था ठीक वाला पल है ठीक बिल्कुल ठीक ये भैर के हो जाता बिल्कुल है ये कम सुविधा होती स्कूल तो भैर के जाना तो गाँव भर रहें अगर पूरा दूध रहें और किराया नहीं दी खाना पीना कौन होने लगे अन्न पानी ज्यादा जरा आप जुगा और अन्न पानी भी कमाना तो साग सब्जी तो होने लगे बाबा पर मेन क्या स्कूल नहीं ठीक बोल दो स्कूल के बारे में गए हैं स्कूल के चक्कर में तो जाना सब भैर जब पढ़ा ना ढंग कौन दो तो इतर को मैं ये अच्छे से इंग्लिश स्कूल बन दी बिल्कुल ठीक बात इतर गांव इतर टिकड़ी जी तो टिकड़ी का यकमान दा अगल बगल गांव का भी आंदा सारा अगल बगल गांव का एक मांदा है तो जब बरदान है नहीं तब बरदान बना जी ना गुना जी ना तो फिर बैग बना जो खा भी नहीं बिगड़ो मैं ना खाए कभी ना हम तो देख 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 साथ भी जी ना पहला का प्रधान था जो हाँ जी हाँ पहला प्रधान बारह में होना ये बदर मचट हाँ जी हाँ आज गांव सोना बने रहे सोना है
ठीक वाला बन ठीक 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 पर अब अगर प्रधान जी खा दो बिल्कुल न मीटिंग होनी चाहिए न बसाना चाहिए को तो कौन होते न क्या होते सिर्फ ब्रेक देना चाहिए हमारे गाँव में इन बहन होते अर्ध याद कुछ न कर ऊपर तक आना चाहिए हाँ तो देते बोलना चाहो हैं चलो गाँव के बन जाए पर्दों को जैसे बन जाए बिल्कुल बिल्कुल हैं चलो आप बैठे रहो तब अच्छा हम जाना चाहो ठीक अच्छा बात ओके दीदी। और देखिए दोस्तों दादी जी ने बनाया है पलियो और दादी जी जिद कर रही हैं कि बेटा पलियो खा के जाओ जाओ लेकिन हम लोग जा रहे हैं आगे वीडियो बनाने के लिए और क्योंकि देखिए उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है खाना और अच्छा नहीं होता ऐसा तो चलते हैं हम आगे और आगे आपको आगे लोगों से मिलवाते हैं गाँव से इलाके लोगों से और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको एक और दीदी मिली है और दीदी ने देखिए क्या क्या अन्न उगाया हुआ है गांव सीला में ये देखिए लहसुन और राजमा की दाल और दीदी ये काला क्या है ये प्याज के बीज प्याज के बीज अच्छा क्या भाव है प्याज के बीज पता नहीं भाई आपके भाव तो पता नहीं क्या भाव है पहले पिछली बार तो 300 दिया लूंगा 300 रुपए पाओ अच्छा आपके भाव पता नहीं आप मैथ कक्ष मुआर अच्छा और बच्चा ये खींचन कद कछन बच्चा तो मेरा दुई लड़की छे ना हां जी लड़की उसारी वे जाए दुई कोदारी छे अच्छा 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 और लड़का मेरा भोजन से और नाम क्या छ आपक मेरा नाम कांति देवी अच्छा कांति देवी ठीक 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 और यख हम और क्या क्या सुविधा छे कुछ छे क्या छ परेशानी यख गांव सुविधा क्या रोड हम कोई दूरी छ हां या होल तो मिल भी हां हां स्कूल भी हमारे से नीचे से हूँ हाँ। बाकी क्या सुविधा हो कुछ नहीं अब रहना भी नहीं चाहिए बेटी बुआ बुआरी से अब बच्चा जब पढ़े पूरा दिन चलाना से स्कूल हाँ। भी नहीं अभी एक दुई छो घर में बाकी कोई नहीं गाँव सब खाली हुई ओ कतुक साल हो गया ना आपका ब्याह है ओ वे टाइम फॉर ब्योला ब्योली थे देखो छे पहल फोन हम बात करते छे पहल ना ना पहल तो फोन ही कहू जाना 22 साल का तो साल बोला पर 22 ना 29 साल 29 साल पहल तो मोबाइल रहंदा भी नहीं छे मेरे ख्याल से ना ना नहीं छाओ लाइट भी नहीं छे मोबाइल तो छोड़ो लाइट तो छे जाई है अच्छा आ तो जब आप ब्याह हुआ तो भाई जी और आया छे देखना खोण हां देखना आज हां हां बात उत कुछ नहीं ना वे पर डाला हूं छे ना वे पर तो ये बांट भी नहीं रहा वाल पैदल तेरे गाड़ी वो आप तो दूर कदम भी मैं तो डाला मतलब पैदल ही गया बरात पैदल आया पैदल गया बाप रे अच्छा और आप तो दूर कदम भी गाड़ी हाँ छह चप सुविधा जरा सुविधा ना आप पहले करो अंतर हो गया बहुत और ठीक है तो धन्यवाद आपक बाप रे बाप देखो दोस्तों इतनी चल चलाती धूप इतनी गर्मी है यहाँ गांव सीला में भी कोटद्वार वाली गर्मी है यहाँ भी और देखिए वो लीची और आम के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और ये देखिए एक तो दोस्तों टाइम हो गया है और देखे मेरे कपड़ों पे क्या है ये कुर्री देखिए कुर्री का जो कांटा है वो चुभ गया है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब एक तो देखिए गांव में लोग नहीं है क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया ठीक है 1 बज रहे हैं इस टाइम पे और हम लोगों के घर के अंदर जाके लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते हैं इसलिए हम आपको गांव सीला का एंड तक लेके चलेंगे और देखते हैं वहाँ पे कितने लोग हैं या क्या है गांव सीले के एंड में तो चलिए दोस्तों और देखिए दोस्तों गाँव वालों से पता चला है कि ये है गाँव का एंड और गांव के एंड में है गुरु गोरखनाथ का मंदिर और शिवालय तो चलिए आपको वहां तक लेके चलते हैं ये देखिए यहां से और हमको जाना है वहां पे है गुरु गोरखनाथ का मंदिर और शिवालय तो आपको दर्शन करवाते हैं जब गांव सीला में आए हैं तो वहां के भूमियाल देवता के ज़रूर दर्शन करवाएंगे हम आपको तो चलिए दोस्तों रास्ते में देखो कितनी सारी कंडली के पेड़ कुर्री के पेड़ और आपका रास्ते में भ्यूल तिमला
के पेड़ भी हैं, और इस तरफ के लिए लोग बोल रहे हैं इसको बोलते हैं सारी, और सारी की तरफ आपको बड़े बड़े आम के पेड़, जामुन के पेड़ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आपको लेके चल रहे हैं बाट बाट मंदिर की तरफ। बाप रे बाप, बहुत धूप है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। देखिए दोस्तों, ये है गांव सीला का एंड, और गांव सीला के एंड में है देखिए दो मंदिर आपको आसपास में दिखाई दे रहे होंगे। एक है शिवालय गांव सीला का, और दूसरा है भूमियाल देवता का मंदिर, मतलब सिद्ध बाबा का मंदिर, या आप कह सकें तो भैरव बाबा का मंदिर। और ये देखिए, और देखिए गांव सीला कासिद बाबा का मंदिर है ये, और वहां पे है गुरु गोरखनाथ का मंदिर। आपको मैं बाहर से ही दर्शन कराऊंगी दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को मंदिर जाना अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े ससुर जी की डेथ हुई थी, इसलिए हम मंदिर में नहीं जाएंगे। बाहर से आपको भी दिखाऊंगी, और गुरु गोरखनाथ और सिद्ध बाबा श्री, आप सभी के लिए मनोकामना मांगूंगी कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बाबा अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखें। और ये देखिए दोस्तों, ये है गांव सीला का आखिरी मंदिर, और मंदिर कहे तो ये है गांव सीला का आखिरी बॉर्डर, और यहाँ पे से गांव सीला होता है खत्म। तो हम लोग भी चलते हैं अपने घरों की तरफ, और आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और गांव सीला के जो भी प्रवासी हैं उन लोगों तक पहुँचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार करूँगी, गांव उमरेला की वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। आशा और उम्मीद करूँगी कि आप इस गाँव की वीडियो को भी बहुत प्यार करेंगे। आज की वीडियो है गाँव सीला से, आप लोग प्यार और बहुत सारे कमेंट, अच्छे अच्छे लाइक कीजिए, तो हम लोग और अच्छे अच्छे जगह जाएंगे और आपको भ्रमण करवाएंगे और भी गांवों के। तो आपको मिलते हैं अगले दिन अगले नए व्लॉग के साथ, नई खुशी नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गुरु गोरखनाथ की।